हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना वेजिटेबल्स के बहुत ही टेस्टी पुलाव। तो ये पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करके उस पर एक कुकर चढ़ाया है। आप पुलाव को कोई भी पतीला में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जब हल्का सा बर्तन आपका हीट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी से पुलाव में खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, तो आप घी ज़रूर डालें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल की जगह बटर भी डाल सकते हैं, या तो फिर पूरा पुलाव आप सिर्फ घी में भी बना सकते हैं। अब जब हमारा घी और तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। तेज़पत्ता मैंने 1 पीस लिया है, 2 से 3 छोटी इलायची इसे आप कूट कर डालें, साथ ही 3 से 4 लौंग। साथ ही मैंने इसमें लिया है जावित्री, 1 पीस बड़ी इलायची, जीरा और दालचीनी। तो यहाँ पे मैंने सारे हर्ब्स को डाल दिया और साथ ही छोटी वाली इलायची को भी कूट कर डाल दिया इसमें। और अब हम डालने के बाद अच्छे से इसे एक बार चला लेंगे। और साथ ही मैं इसमें कुछ कटे हुए काजू भी डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स में आप चाहो तो किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन किशमिश जो है वो कुक होने के बाद बहुत बड़ा बड़ा फूल जाता है। मैं यहाँ पे केवल अभी काजू ही डाल रही हूँ। काजू और हर्ब्स को हम 20 से 25 सेकंड के लिए अच्छे से चला लेंगे ताकि काजू का भी कलर चेंज हो जाए और जितने हर्ब्स है वो भी हमारे चटक जाएं। इसी बीच मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे लंबे वाले बासमती राइस लिए हैं। ये मैंने फॉर्च्यून का बासमती राइस लिया है। आप कोई भी बासमती राइस ले सकते हैं, या तो फिर आप छोटे वाले जो खुले मार्केट में बासमती राइस मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। चावल को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिंगोकर रख दिया था। अब हमें चावल को बहुत ज़्यादा धोना नहीं है, बस एक पानी से धोकर हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से निकाल कर बर्तन में डालना है। देखिए, जैसे कि मैं हल्के हाथों से निकाल रही हूँ, अगर ज़्यादा आप रगड़ कर चावल को धोते हैं तो वो टूट सकता है। तो आप बस एक पानी से अच्छे से धो लें और फिर उसे पानी से निकाल कर आप बर्तन में डालें। चावल डालने के बाद हम चावल को 1 मिनट के लिए हल्का सा तेल और घी में अच्छे से कुक करेंगे। इससे जो चावल का फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप पानी डालने के पहले चावल को 1 मिनट के लिए भून लें और बार बार इसे ना चलाएं, बस 1 से 2 बार इसे चला लें ताकि चावल नीचे सटे ना। तो अब मैं आपको दिखा दूँ, चावल भी भून चुका है। तो मैंने ये जो पीने वाला गिलास होता है इससे चावल को नापा था, तो मैंने इसे 1.5 गिलास चावल लिया था। तो मैं इसी गिलास से इसमें 3 गिलास पानी डालूँगी। आप पुलाव बनाने के लिए जिस भी बर्तन से चावल लें उसी बर्तन से उसका डबल पानी इसमें डालें। और अगर आपको पानी का अंदाज नहीं होता है तो आप पानी डालने के बाद चेक कर लें, अगर पानी चावल से 1 इंच ऊपर है तो इसका मतलब है पानी इसमें परफेक्ट डाला हुआ है। साथ ही पुलाव के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच चीनी और साथ ही 1.5 चम्मच नमक। आप जितना चीनी डालें उसका आधा आप नमक डालें, क्योंकि पुलाव मीठा और नमकीन दोनों खाने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर पुलाव हल्का मीठा होता है तो वो और भी टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आप 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो आप उसमें 1 चम्मच ही नमक डालें। तो नमक और चीनी का क्वांटिटी आप 2:1 के रेशियो में रखें। बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इसे लीड से ढक देना है। और मैंने कुकर की सीटी निकाल दी है। अब मीडियम फ्लेम पे हमें पुलाव को 10 मिनट के लिए कुक करना है। 10 मिनट में बासमती राइस कुक हो जाते हैं। मैं आपको 5 मिनट के बाद लीड हटाकर दिखाती हूँ। देखिए, पुलाव हमारा धीरे धीरे कुक हो रहा है। इसी बीच में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज। ये मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को भून लिया था। अब हम इसके चारों ओर इस तरीके से इस पर डाल देंगे। आप प्याज चाहो तो स्टार्टिंग में पानी डालने के बाद भी डाल सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से बीच में लीड को हटाकर डालें। प्याज डालने के बाद फिर से हम लीड से इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पुलाव है हमारा एकदम खिला खिला और सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है इसका। साइड से हम पुलाव को चलाएंगे, बीच से नहीं चलाएंगे। ये देखिए,
ये कुक हो चुका है अच्छे से। तो हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसे फिर से लीड से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और इसे भाप से कुक होने देंगे। चलिए फिर से हम लीड को हटाकर देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो चावल है वो पूरी तरीके से कुक हुआ या नहीं। अगर आपका चावल हल्का फुल्का कच्चा भी रह जाएगा तो आप गैस ऑफ करने के बाद भी इसे लीड से ढक दीजिएगा तो ये भाप से ही अच्छे से कुक हो जाएगा, पक जाएगा। देखिए चावल अच्छे से मैश हो जा रहा है, यानी कि हमारा जो पुलाव का चावल वो एकदम परफेक्टली कुक है। बस पुलाव बनाने टाइम आप पानी का मेज़रमेंट ठीक से करें, पुलाव आपका बहुत ही खिला खिला बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बिना वेजिटेबल्स के टेस्टी पुलाव बनके तैयार है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, चावल का हर दाना एकदम खिला खिला हुआ है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 15 मिनट में ये पुलाव बनके तैयार हो जाते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम और फ्राइड किए हुए प्याज से गार्निशिंग करेंगे ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। तो अगर आप घर बैठे हैं तो एक बार इस पुलाव को ज़रूर बनाकर एंजॉय करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।